अपनी दूसरी फ्रेंड्स को भी मीटिंग की लिंक भेजी है, तो वो ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ तो वो आते हैं। ओके तो वो 5 मिनट में ज्वाइन हो जाएंगे, तो यस हम मैम, ओके तो हम 2-3 मिनट के लिए वेट करते हैं, फिर बाकी ओके और भी लोग ज्वाइन करते हैं, फिर हम साथ में करेंगे। ओके ओके मैम, थैंक प्रार्थना, थैंक यू। यू मैम। आप लोग कहाँ से हो, प्रार्थना और हार्दिक? एक ही स्कूल से हो आप दोनों? यस मैम, एक ही स्कूल एंड एक ही क्लास में। यस ओ मैम, नाइस। कौन से क्लास से, कौन से क्लास में हो आप हार्दिक? ओ विथ स्कूल। ओके नाइस। आप लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है? यस तो इसीलिए आप आ जाए हो साथ में करने के लिए। मैम, आओ। ओके तो आप लोगों ने पहले भी और कोई क्राफ्ट्स वगैरह बनाए हैं? क्या यस मैम बनाए क्या चीजें बनाई है पहले? मैम, कार्ड बनाई थी, फिर कैट बनाई थी। स्कूल में से असाइनमेंट मिला था के बर्थडे कार्ड बना के हो, तो वो भी बना है। ओह ओके तो अभी आगे तो पेरेंट्स डे भी आ रहा है और फिर फ्रेंडशिप डे भी आ रहा है, तो आप वो सारा बनाने वाले हो? यस मैम, मैम, आपको पता है ना पेरेंट्स डे कब है, यस मैम, कब आता है? अभी 25th को ही है। आज ऑलरेडी 19th है, तो 25th को ही है। ओके तो आप लोग अभी कुछ क्राफ्ट बनाओ ना, तो अपने मम्मी पापा को दे सकते हो। मैम, और फिर फ्रेंडशिप डे तो पता होगा कि अगस्त का फर्स्ट संडे आता है, यस मैम, फ्रेंडशिप डे पता है। वो पता है, लेकिन पेरेंट्स डे भी तो पता होना चाहिए ना। मैंने कल ही ये फ्रेंडशिप बेल्ट लाई है मेरे फ्रेंड्स के लिए। वो इतनी जल्दी लेके भी आ गए आप, तो इतने से हो यस जाएंगे? यस मैम, मेरे फ्रेंड्स। ओ तो ये भी आप हाथ से बना सकते हो। हम नहीं होगा तो एक नेक्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास करेंगे, जिसमें आप हाथ से भी फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हो। ओके ओके मैम, ठीक है, तो अभी हम वो एनवलप बनाने वाला शुरू करते हैं। आप लोग अपने सामान के साथ रेडी हो ना, तो हम स्टार्ट करेंगे। यस ओके ठीक है, तो हार्दी और प्रार्थना चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। ओके 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 तो ही ना मैम, वो भी आप चालू कर सकते हैं। हेलो 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 मैम, हेलो मैम, गुड हेलो, व्हाट्स इवनिंग। योर नेम? हेलो 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 मैम, मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? हाय प्रार्थना। प्रार्थना, और आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? हाय ठीक है, आपको क्राफ्ट पसंद है ना?
यस ठीक है, तो हम ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डिजाइनर एनवेलप बनाते हैं, ठीक है? ओके तो आप सबको ये पेपर दिख रहा है ना? ठीक है, तो आपको पास पेपर होना चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए, ग्लू होना चाहिए, ठीक है, सीजर होनी चाहिए और कोई ग्लिटर वाली पेन हो वो भी रखना, ठीक है? पेन, पेन, सीजर। देखो ये एक क्राफ्ट का पेपर है जो कलर पेपर आता है ऐसा वाला, वो चाहिए। एक सीजर बड़ी वाली हो वो, एक छोटी वाली सीजर, फिर एक ग्लिटर वाली पेन हो तो, अगर नहीं है तो वो ऑप्शनल है, ठीक है? मैम सिंपल पेन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो आप, ठीक है? ओके मैम। फिर पेंसिल और स्केल। मम्मा स्केल लेते हैं मुझे। और ये ग्लू, कोई भी ग्लू चलेगा, ऐसा नहीं कि यही वाला चाहिए, ठीक है? और साथ में एक इरेजर भी रखना, ठीक है? सब रेडी है? ओके ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम एनवेलप बनाने का स्टार्ट करेंगे, ओके ठीक है? तो इसके लिए हमको क्या है, स्क्वायर पेपर बनाना पड़ेगा। आपका स्क्वायर है? नहीं है ना स्क्वायर, तो ये पेपर लो, फिर यहां से आप ऐसे बाइंड कर लीजिए, ठीक है? मैम एक बार फिर से करके बताइए। सिंपल, एक साइड से देखो ये पेपर है, दिख रहा है ना आपको? यस मैम। फिर आपको ये पकड़ना है यहाँ से और ये ऐसे क्रॉस करके, ये लाइन टू लाइन ऐसे क्रॉस में करके आपको ये बनाना है, ठीक है? ओके पिरामिड जैसा दिख रहा है ना आपको? यस मैम। ठीक है, फिर यहाँ से आप ये कर लो, ऐसे थोड़ा सा मोड़ लो, ठीक है? मोड़ लिया, दिखाओ तो कैसे मोड़ा है आपने? मैम नहीं होगा। देखो ये पेपर है ऐसे परफेक्टली, यहाँ कॉर्नर से ऐसे मोड़ो, ठीक है? ओके मैम। समझ आया? स्क्वायर पेपर है, ठीक है, स्क्वायर हो गया आपका? मेरे पास स्क्वायर मैम हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ से काट लो तो जो पेपर होगा वो स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है? ये जो हमने लाइन बनाई थी ना साइड में, तो वो पेपर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं मैं काटूं, वेरी गुड, आप खुद से कर रहे हो? यस मैम। वेरी गुड, मैम बोलो। मेरे पास स्क्वायर पेपर है ना, तो आपको नहीं करना है, अगर नहीं है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है? ओके मैम। अगर थोड़ा सा उल्टा सीधा कटा हो तो हम परफेक्टली काट लेंगे, ठीक है इसे? अभी हमारे पास ये स्क्वायर पेपर है, ठीक है? फिर आपको यहाँ से ऐसे करना है, देखो पतंग के जैसा हो गया ना, ये काइट जैसा दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है? फिर यहाँ से जो कॉर्नर वाला, राइट कॉर्नर वाला साइड है ना, वो नीचे रख दो आप पेपर,
यहाँ पे और यहाँ से ऐसे कर लो, ठीक है? कौन सी साइड से आप ऐसे ही क्रॉस में ऐसे मोड़ लो, ठीक है? ओके बस ठीक है चलेगा, आपने मुझे बस कर, वो आगे चले गए। फिर आपको ये पार्ट ऐसे खोल दे के और ये ऐसे घुमा के फिर ये दूसरी साइड से वैसे ही सेम टू सेम करना है, ठीक है? देखो सेम टू सेम हो गया ना। दिख रहा है ऐसे? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, ओके परफेक्ट, ऐसे ही। क्या नाम है आपका? हार्दिक। ओके वेरी गुड, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, फिर ऐसे ही ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है? फिर ऐसे करो, ठीक है? ये देखो एक मेल बॉक्स जैसा तैयार हो गया है ना, थोड़ा सा। यस मैम। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ से ये जो है पार्ट वो काट लेना है आपको। मैम क्या? हाँ ऐसे ही, ऐसे ही मैम, ये जो पार्ट है ना, हाँ वैसे ही परफेक्ट मैम, ऐसे दिख नहीं रहे हैं मुझे। हाँ परफेक्ट, हाँ परफेक्ट, ठीक है? फिर ये जो हमने काटा ना, ये पार्ट हमने जो ये पार्ट काटा ना सीजर से, ठीक है, उसको अंदर की साइड ऐसे मोड़ लेंगे हम। मैम कैसे काटना है? आपने ये पार्ट ऐसे करके रखा ना, फिर हमने ये सीजर से काटा, ये पार्ट दिख रहा है कटा हुआ, दो साइड से कट किया हुआ है, जो क्रॉस में लाइन आ रही है ना वैसे सेम टू सेम वही लाइन में हमको ऐसे काटना है, ठीक है? हो गया आपका? क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो बच्चों, यस मैम, अभी आपको समझ आया ना कैसे काटना है? यस मैम। ठीक है, ये पार्ट है वो आप खोल दीजिए, जो हमने मोड़ा था ना वो वाला। खोला आपने? ऐसे खोल लीजिए जैसे हमने काटा था ना, वो पार्ट खोलेंगे और वहां पे हम ग्लू लगा देंगे, जिससे क्या है कोई भी चीज हम अंदर रखेंगे ना ये ऐसे करके, ऐसे करके ये कवर बनेगा ना, तो कोई गिरेगा नहीं। ओके, खोल के
आपको यहाँ पे ग्लू लगा देना है हर जगह पे। ऐसे ग्लू लगा के बना दे इधर और इधर भी इधर पूरा। हो गया हार्दी आपका प्रार्थना? हेलो नो मैम नहीं हुआ। नहीं हुआ? ग्लू लगा रही हूँ। ओके ठीक है, आपका रेडी होता है ना तो आप मुझे बता दीजिए कि आपका कितना एनवेलोप रेडी हुआ है। ठीक है हो गया, दिखाओ आपका एनवेलप कैसा बना है, मेरे जैसा बना है कि नहीं बना है। प्रार्थना, हार्दी, ठीक है ग्लू लगा दिया ना आपने? यस मैम। ओके परफेक्ट, फिर ये जो आगे वाला पार्ट है ना आपको वो ऐसे करना है और ऐसे मोड़ लेना है। ठीक है ओके मैम। देखो ये एनवेलोप रेडी हो चुका है। यस हार्दी मैम ऐसे। ओके परफेक्ट, हार्दी कहाँ पे है मैम? हार्दी ओके। प्रार्थना यस मैम। देखो ये एनवेलोप रेडी हो गया ना आपका? यस मैम। ठीक है इसको साइड रख देना है हमको ऐसे करके। ठीक है फिर एक ऐसा स्क्वायर वाला पेपर है, दिख रहा है आपको स्क्वायर वाला पेपर? यस मैम। छोटा सा ही होना चाहिए जो एनवेलोप में अच्छे से आ जाए। ठीक है ये एनवेलोप है हमारा, उससे उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई भी छोटा सा पेपर आप ऐड कर सकते हो। हेलो हेलो। यस मैम। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके ये प्रिया बा है ना? यस। ओके आपने कितना बनाया है मैम? ओके ठीक है, आपको ये ऐसा स्क्वायर पेपर लेना है जो हमारे एनवेलप से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। आप ऐसे एनवेलप रखेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना पेपर होना चाहिए हमारे पास, और ऐसे हम पेंसिल से मार्क कर लेंगे।
एक साइड यहां से मार्क करेंगे और वो पार्ट काट लेंगे। प्रार्थना आपको समझ आ रहा है? यस मैम, वेट कीजिए ना। कोई भी पेपर चलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ही स्क्वायर, हमारे एनवेलोप से छोटा पेपर होना चाहिए। अगर आपने जो स्क्वायर पेपर काटा होगा ना, तो उसका भी ऐसा पार्ट बचा होगा आपका। यस मैम। तो उसमें से भी आप काट के ऐसे एनवेलोप में, देखो ये उससे भी छोटा ही है, दिख रहा है उसकी साइज? यस मैम। तो उसमें से हमको इतना पार्ट काट लेंगे, इतना पार्ट निकाल लेंगे ना, तो वो एनवेलप से साइज से छोटा हो जाएगा। मैम इतना पेपर चलेगा? हाँ चलता है इतना भी। वो आपको ध्यान रखना है कि वो हमारे एनवेलप की साइज से छोटा होना चाहिए। ओके मैम। ठीक है। और हमने जो स्क्वायर पेपर लिया था तो उसका हम ऐसे बाइंड कर लेंगे जो हमने मार्क किया था। मैम मार्क कहाँ पे किया बताइए तो? हमने पेंसिल से मार्क किया था ना बच्चा? हाँ। देखो ऐसे पेंसिल से मैंने मार्क किया था, बताया था ना कि यहाँ पे एनवेलोप रखना है, और ऐसे मार्क कर दिया तो हमको पता चल गया कि ये पेपर इतना बड़ा है। ओके। तो ये मार्क किया और वो बैंड कर देना है, जिससे हमको क्या है लाइन मिल जाती है, तो हम अच्छे से काट पाएंगे उसको। लाइन दिख रही है ना आपको? कैसे लाइन दिख रही है? तो हमको क्या है प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कितना काटना है। देखो ये एनवेलोप की साइज का परफेक्ट हो गया है, पर हमें थोड़ा सा छोटा चाहिए अभी भी। प्रार्थना आपका परफेक्ट हो गया है? प्रार्थना आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं पेपर काट रही हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एक स्केल लेके थोड़ा सा पेपर काट लेंगे हम। मैं कैसे किया काटना पहले? क्या कैसे किया था? हमें जो मैंने पेपर लिया था ना, वो मेरा पेपर थोड़ा मेरे एनवेलोप से बड़ा था, तो हमको क्या है थोड़ी सी और साइज छोटी करनी पड़ेगी। ये पेपर है, हमने लाइन बनाई ना पेंसिल से, मुझे लग रहा है कि ये पेपर मेरे एनवेलोप से बड़ा है, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा एनवेलोप में लाइन खींच ली और उसे काट लिया, ऐसे काट लूंगी। ठीक है मैम। प्रार्थना आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम पेपर ले रहे हैं या कोई भी कलर का हो, वो हमारे एनवेलप से छोटा होना चाहिए। देखो ये छोटा हो गया ना एनवेलप से, दिख रहा है साइज उसकी छोटी है। फिर ये एनवेलप हम अंदर रख सकते हैं कुछ भी लिख के, कोई भी कोड्स लिखना हो हमारे बर्थडे पे, या हैप्पी बर्थडे आता है या फ्रेंडशिप डे आता है। हाँ। तो ऐसा पेपर रख के हम लिख सकते हैं इसमें कि हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड, अगर बर्थडे आता है, अगर फ्रेंडशिप डे आता है तो हम ऐसे लिखेंगे हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड। देखो दिख रहा है ना आपको? Yes, ma'am. फिर ऐसे इमोजी भी बना सकते हैं हम। कुछ भी लिख सकते हो आप, अच्छे से मस्त कुछ भी लिख सकते हो। हैप्पी बर्थडे लिख सकते हो, हैप्पी फादर्स डे भी लिख सकते हो, अगर मदर्स डे आ रहा है तो हैप्पी मदर्स डे भी लिख सकते हो। ठीक है।
टीचर्स डे आ रहा है, अगर आपके टीचर का कोई बर्थडे है, वो आपके अच्छे से पढ़ा रही है, तो कोई आप अच्छा सा उनके बारे में लिख के ऐसे पेपर में, ऐसे एनवेलोप में रख के दे सकते हो उनको। ओके मैम। देखो ये आ गया ना अच्छे से। यस मैम। कुछ भी रख सकते हो, अगर बर्थडे है तो कोई गिफ्ट रख सकते हो, आप फ्रेंडशिप डे है तो आपकी फ्रेंडशिप बैंड भी इसमें रख सकते हो। ओके मैम। ठीक है, फिर ये ऐसे सील कर देना है हमको, अगर हम कोई चीज रख रहे हो तो ग्लू से ऐसे सील कर देंगे, ऐसे ग्लू लगाना है। मैं अभी नहीं लगा रही, पर अभी किसी को दे गए तो यहाँ पे ग्लू लगाना है और वैसे चिपका देना है, तो कोई भी चीज अंदर से गिरेगी नहीं। ओके मैम। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे बटरफ्लाई बनाएंगे छोटू सा। ओके। क्योंकि हम एनवेलोप बना रहे हैं, पर सिंपल वाला एनवेलोप नहीं बना रहे, हम एक डिजाइनिंग एनवेलोप बना रहे हैं। तो आपके पास कोई भी अच्छा वाला रंगीन पेपर है, कोई भी दो कलर का, कोई भी हो चाहिए, सिर्फ कलरिंग पेपर चाहिए जो हमारे ओरिजिनल एनवेलोप से थोड़ा अलग कलर होना चाहिए। देखो ये तीनों कलर अलग है ना हमारा एनवेलोप, ये दो पेजेस अलग कलर के हैं। प्रार्थना। यस मैम। यस मैम। हेलो आरती। हार्दी आपको सुनाई दे रहा है, आपका कितना हुआ कंप्लीट? मैम एनवेलोप के अंदर जो पेपर रखना है ना वहां पे लिख रही हूँ। ठीक है, लिख दिया ना आपने? नो मैम अभी लिख रही हूँ। सबका अच्छे से हो रहा है ना? यस मैम। ओके, फिर हमको एक ऐसा रंगीन पेपर लेना है, उसमें छोटू सा बटरफ्लाई बनाना है। ओके okay. छोटू सा बटरफ्लाई हमको एक पार्ट हमें ड्रॉ करना है यहां से। हो गया सबका ड्रॉ? ये देखो थोड़ा सा आधा पार्ट ही हमको ड्रॉ करना है। ओके, और छोटी सी सीजर लेनी है, अभी हमको बड़ी सीजर नहीं लेनी है, क्योंकि उससे क्या है परफेक्ट शेप नहीं कट होता है बटरफ्लाई का। ऐसे लेना है और बटरफ्लाई काटना है। हो गया सबका ऐसा छोटू सा आधा सा बटरफ्लाई आपने काट लिया। ये देखो ऐसे से बटरफ्लाई दिखेगा, अगर कोई शेप परफेक्ट नहीं दिख रहा है ना
तो आपको ऐसे मोड़ के अंदर से ऐसे शेप काट देना है। ये देखो बटरफ्लाई की शेप हो गई ना अच्छे से, देखो ऐसा सेम टू सेम आपको दूसरा भी बटरफ्लाई काटना है। ओके सबको आवाज आ रही है ना मेरी? ओके देखो ये बटरफ्लाई है रेडी हमारा। हमें सेम टू सेम ऐसा ही दूसरा बटरफ्लाई अगर आगे का पार्ट है वो भी हमको काटना है ऐसे। सेम टू सेम हमको थोड़ी बड़ी साइज या थोड़ी छोटी साइज, हमारा एनवेलप इतना छोटा है तो हम है कि इससे थोड़ा सा छोटा बटरफ्लाई काटेंगे तो हमारा एनवेलप पे अच्छा दिखेगा। ओके तो ऐसे सेम टू सेम दूसरा कलर पेपर लेना है, ऐसे मोड़ना है, वहां पे ये बटरफ्लाई हमको रख देना है। देखो सेम टू सेम, और फिर ये बटरफ्लाई ड्रॉ कर देना है रख के। हेलो बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ओके ये देखो ये बटरफ्लाई की डिजाइन रेडी हो गई ना सेम टू सेम। तो हमको क्या है ये थोड़ा छोटा काटना है, तो पहले हम ऐसे ही उसका शेप काट लेंगे सिंपल से। और उसका जो शेप है उससे थोड़ा सा छोटा काटेंगे हम। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे कट के यहां से अलग से जो डिजाइन बनाई थी उससे थोड़ा डिजाइन ऐसे बना दो, जिससे क्या है आपका जो ओरिजिनल शेप है उससे ये छोटा बनेगा। देखो अंदर नी अंदर की साइड मैंने बनाया ना ये छोटू सा बटरफ्लाई दिख रहा है, अंदर मैंने थोड़ा सा अच्छा ऐसे ड्रॉ किया हुआ है आपको लग रहा है ना? यस मैम। वो अंदर वाला जो पार्ट है ना हमको वो काटना है। ओके ऐसे काटो, फिर यहां से सारा शेप हम काट लेंगे छोटू वाला। हम बनाएंगे पॉपअप वाला बटरफ्लाई, जिससे ये क्या है कि आपको अच्छे से दिखेगा, सिंपल हमको चिपकाना नहीं है उसपे। ओके बनेगा ना तो बहुत ही अच्छा दिखेगा ये। आपने कितने बटरफ्लाईज बनाए? एक बन गया आपका? देखो मेरा दूसरा वाला भी बटरफ्लाई रेडी हो गया ना? तो हम यहां से इसको काट लेंगे ये।
हो गया आप लोगों का बच्चों? यस मैम। दोनों बटरफ्लाई हो गए रेडी। किन किन का हुआ है मुझे बताओ मैम। हाँ बोलो। मेरे 3 बटरफ्लाई हो। चलेगा, हमको से 2 भी बना सकते हो, हम 3 भी बना सकते हो, जितना आपको इच्छा हो। इस टाइप से हम डेकोरेटिव कर सकते हैं इसको, हम फ्लावर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे जो बटरफ्लाई बड़ा वाला है हमारा, जो हमने पहले बनाया था, उसके बीच में हमको थोड़ा सा ग्लू लगाना है, एकदम थोड़ू सा। और उसपे ये छोटू वाला जो बटरफ्लाई है हमारा क्यूट सा, वो उसपे चिपका देना है। देखो कैसे 2 बटरफ्लाई अच्छे से दिख रहे हैं ना आपको, बस सिर्फ बीच की लाइन जो है हमने जहां पे मोड़ा था उस लाइन पे ही थोड़ा सा ग्लू लगाना है। थोड़ा लगा दो, ग्लू तो लगा बीचों बीच सेंटर में, बस इधर बहुत ही थोड़ा लगाना है। और फिर ये बटरफ्लाई जो हमारे चिपक गए हैं, उसको उल्टा करके यहाँ पे भी जो लाइन खींची हुई है जो हमने मोड़ा था, वहां पे भी एक लाइन पे ही हमको ग्लू लगाना है। और हमारे जो एनवेलप है उस पे ऐसे चिपका देना है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और फिर जो पार्ट हमने नहीं चिपकाया वो ऐसे उठा लेना है, ठीक है। देखो मैम बटरफ्लाई ऐसे, हाँ ऐसे देखो मैम। हाँ बोलो मैम। ये देखो कितना अच्छे से चिपका है। फिर हमको क्या है, ऐसे ड्रॉ कर देना है। कोई भी सिंपल से पेन हो उससे भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और ऐसे एक छोटू सा डॉट बना सकते हैं जिससे वो बटरफ्लाई डेकोरेटिव लगता है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्लिटर वाले पेन यूज कर रहे हो तो उस पे ना लगे, नहीं तो वो स्प्रेड हो जाएगी। ओके, आप लोगों का बटरफ्लाई ऐसे चिपका दिया आपने एनवेलोप पे, किस किस का चिपका है मुझे दिखाओ तो। हाँ परफेक्ट, ऐसे ही देखो मैंने ऐसे डॉट्स भी बनाए। अगर आपके पास कोई ग्लिटर पेन हो तो ऐसे आप बटरफ्लाई को डेकोरेटिव भी कर सकते हो। देखो दिख रहा है मेरा ये डेकोरेटिव बटरफ्लाई? यस मैम। देखो क्या हुआ आपको, आपने रेडी कर दिया बटरफ्लाई ऐसे लगा के एनवेलोप? आप दिख नहीं रहे हो मुझे, आपकी स्क्रीन बंद है शायद।
दिख रहे हैं मुझे। अभी आप दिख रहा है, मेरा पेपर दिख रहा है, एनवेलप दिख रहा है? देखो ऐसे रेडी हो गया है ना? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर में जाके आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिससे क्या है कि हमारा एनवेलप बहुत ही सुंदर दिखता है। या तो आप दो लाइन खींचो या तो एक लाइन खींचो, आपकी मर्जी। ठीक है, देखो थोड़ी सी लाइन हमने पेंसिल से भी ड्रॉ की है तो भी कितनी अच्छी लग रही है। फिर आपको ऐसे ग्लिटर वाली पेन लेनी है और वहां पे ऐसे लाइन बना देनी है और ऐसे थोड़ा सा खींच देना है, इससे क्या है शेड आ जाएगा उस पे। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे नॉर्मल भी ऐसे लाइन बना सकते हो, एक या दो, एक छोटी बनाओ एक बड़ी बनाओ। देखो ये कैसे बनाई और एक ऐसे बनाई मैंने, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हम करेंगे, छोटी वाली लाइन बना देंगे। देखो लग रहा है कि एनवेलप अच्छे से डिजाइन हो रहा है। आपका कितना रेडी हुआ? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर आपको ये ऐसे एनवेलप रेडी हो चुका है। तो आप, हमने बर्थडे वाला कार्ड डाला था ना अंदर, मैंने भले ही चिपकाए नहीं हैप्पी बर्थडे लिखा था, तो हम कार्ड पे भी ऐसे हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं। ओके हो गया आप सबका रेडी? तो हमारा ये एनवेलोप डिजाइनर बन गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये एनवेलोप? मैम वेरी नाइस। अच्छा लगा ना? यस मैम। तो आपका कैसा है, आपने कितना बनाया? मैंने जिससे सिखाया तो आपको समझ आए ना, भले आपने जैसा भी बनाया हो, नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से बनाना। ओके मैम। मुझे स्क्रीन पे दिखाओ तो आपने एनवेलप कितना अच्छा बनाया है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बनाया है। थैंक यू मैम। ओके, ऐसे ही आप आगे काम करते रहना। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे आप बटरफ्लाई भी डाल सकते हो, फ्लावर भी डाल सकते हो। बोलो क्या है? मैम मैंने वेकेशन पे ये क्राफ्ट किया। ओके वेरी गुड, आपको क्राफ्ट बहुत ही पसंद है। यस मैम। ओके, इसीलिए आपने जल्दी जल्दी ये बनाया है। यस मैम। ओके, आपने खुद से बनाया है या फ्रेंड की मदद से बनाया है? खुद से बनाया है। तो आप अपने ऐप पे पोस्टिंग कर रहे हो ये सारी चीजें बना रहे हो तो? हाँ मैम। ओके, तो अभी ये सब जो भी आप बना रहे हो, आपने जो ये एनवेलप बनाया, आपने जो भी वेकेशन में जो भी क्राफ्ट बना रहे हो, तो आप पोस्ट डालो रोज रोज अलग अलग बना के। ओके मैम। उसका फोटो लेना है जो भी क्राफ्ट बनाते हो, या तो उसका फोटो लेना है, छोटू सा वीडियो भी बना सकते हो आप।
आपको फोटो लेना है और हमारे जो एक्टोपॉड वाला है पोस्ट ओके मैम उस पे आप डाल सकते हो ठीक है ओके होगी स्टूडेंट्स तो आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा मैम के साथ यस मैम बहुत मजा आया तो ये कार्ड आप लोग सब यूज करने वाले हो ना अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करने के लिए यस मैम ओके सो ये सब कार्ड्स बनाओ हम आगे और भी नेक्स्ट जो आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास लेके आएंगे उसमें हम फ्रेंडशिप बैंड बनाएंगे तो सब ज्वाइन कर लोगे ना फ्रेंडशिप बैंड घर पे ही बना के फ्रेंड्स को दे देना एकदम स्पेशल हो जाएगा सबके लिए ओके मैम ओके सो आज की क्लास हम यही रैप अप करते हैं आज आपने जो भी बनाया ना आप उसको फोटो खींच के आप सब स्टूडेंटिंग ऐप पे तो हो गई तो वहां पे वो ऐसे फोटो निकालो और उसको सिर्फ पोस्ट कर दो तो हम उसको क्या है फीचर कर देते कि आपने हमारे क्लास में साथ में बैठ के कुछ बनाया है तो वो सारे सबके सामने वो आपके फोटोज रखते हो तो आप ये कर सकते हो ठीक है ओके मैम ओके ऑल राइट थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच मैम थैंक यू प्रार्थना